दोस्तों, मैं विवेक का स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल व्यू विद विवेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे हरिद्वार की यात्रा, क्योंकि कार्तिक मास स्टार्ट हो गया इसलिए हम हरिद्वार गए थे। आपको ये वीडियो, होप करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप में से जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा बाबा भीमराव जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा वीर बजरंग की। हर हर महादेव। जयकारा बोले भंडारी का। बोल सच्चे दरबार की जय। माता जी के जागरण के लिए हम ज्वाला जी से जोत लेकर आए थे, जिसकी वीडियो आपने देखी ही होगी। अगर आपने नहीं देखी, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। माता ज्वाला जी के पंडित जी ने हमें बताया था कि चीनी वायरस के कारण वहां हवन जिसमें जोत वापस की जाती है वो बंद है। पंडित जी ने हमें बोला था कि ज्योति बध जाने के बाद इसे जल में प्रवाहित कर दिया जाए, इसलिए हमने गंगा जी में जोत को प्रवाहित किया। नवरात्रों में जोत हमारे गांव के मंदिर में जगती रही और भक्तों को दर्शन देती रही। शरद पूर्णिमा को हम सब हरिद्वार के लिए चल पड़े। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा बहुत ही मनमोहक था। कार्तिक मास में स्नान और दान का बहुत महत्व है। हम सुबह होने से पहले ही हर की नगरी हरिद्वार पहुंच गए। वहां पहुंचकर मेरे मन को अलग सा ही शांति का अनुभव हो रहा था। पार्किंग में से उदय होता हुआ सूरज और भोले बाबा की मूर्ति बहुत ही सुंदर लग रही थी। कुंभ मेला जो कि 14 जनवरी 2021 में शुरू हो रहा है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। हर की पौड़ी पर भी कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था, इसलिए गंगा जी का प्रवाह पीछे से कम किया हुआ है। थोड़े पानी में ही हम सब ने स्नान किया और घर के लिए भी गंगा जल लिया।